हेलो बच्चों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं समझी है तो यूट्यूब पर टाइप करें प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स वाला, जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स कि कैसा होता है दो डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके फॉर्मूले की डेरिवेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स जो कि फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इतना कवर किया है मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट पार्ट में। आज हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड पढ़ा था, आज हम किसी हाइट से देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल अगर फेंकेंगे तो क्या होगा। तो आइए इसका सबसे बेसिक एग्जांपल से आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टार है, यहाँ हमारे पास एक टार है, ठीक है, और इस टार के ऊपर से हमने इस बॉल को ऐसे फेंका, ये एक बॉल थी, हमने इसको ऐसे फेंका विथ वेलोसिटी u। अब इसकी पाथ कैसे होने वाली है, देखो जैसे ही ये टावर के बाहर निकली तो इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रखी है u, और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी। ग्रेविटी के खींचने की वजह से ये बॉल अब नीचे भी आएगी, ठीक है, तो अगले स्टेप में ये बॉल यहाँ पहुँचेगी, है ना। आगे ये किस स्पीड से जा रही होगी, u, आगे जाने वाली स्पीड चेंज नहीं होगी। यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इस जगह पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, जीरो। वाई डायरेक्शन की स्पीड इस जगह पे कितनी है, जीरो। यहाँ आके वाई डायरेक्शन में कुछ स्पीड बढ़ी, यहाँ आके वाई डायरेक्शन की स्पीड और बढ़ी, और आगे आए ये तो यू ही रहेगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और बढ़ी, और आगे आए ये तो यू ही रहेगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और बढ़ती जा रही। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बॉल की स्पीड बढ़ेगी, कोई चीज़ जब गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। और ये वाली जो स्पीड है कौन सी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये कांस्टेंट रहेगी। जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो पूरे रास्ते यू या कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी बच्चों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, और वाई वाली लगातार बढ़ती जाएगी। और आप पार्टिकल की पाथ देखोगे तो कुछ ऐसी पाथ दिखाई पड़ेगी, मतलब ये पार्टिकल आगे भी बढ़ा और नीचे भी गिरा। तो कितने डायमेंशनल का मोशन है, दो डायमेंशनल का, क्योंकि पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा और नीचे भी गिर रहा। आगे जिस स्पीड से बढ़ रहा उसको हमने बोला वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जो कि पूरे रास्ते क्या है, कांस्टेंट। नीचे गिरने वाली वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ आके थोड़ी नीचे की तरफ वेलोसिटी, यहाँ नीचे की वेलोसिटी और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो इस पार्टिकल की है बच्चों वो लगातार इंक्रीज कर रही है, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू जी। और वेलोसिटी इन एक्स जो है बच्चों वो पूरे रास्ते कांस्टेंट है, ठीक। फिर हमने इसकी पाथ चेक की, कैसी पाथ है, तो हमने देखा इसकी पाथ भी पैराबोलिक है। कैसी है, पैराबोलिक, मतलब ये भी एक एग्जांपल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, ठीक। तो इस पे सबसे एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने इसकी आपको ये कहानी समझाई, इतना समझ में आया होगा। आइए इसका कोई बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और डिटेल में अंदर चलते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको कि ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर्स, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये पार्टिकल ऐसे नीचे गिरेगा, आगे भी बढ़ेगा और नीचे भी आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमसे पूछा इन्होंने क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच ग्राउंड, उसको ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा, ग्राउंड तक आने में कितना समय लगा। तो बच्चों अगर हम बात करें ग्राउंड तक आया तो उसने दो डिस्टेंस कवर किए, एक तो ये वाला वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस, एक ये वाला एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस। हमें कौन सा डिस्टेंस पता है, वाई वाला, तो हम पूरे मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसिडर करके देखते हैं, ठीक। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, 20, नो -20, क्योंकि पार्टिकल नीचे आया। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो उसके दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, एक तो वो वाई में भी नीचे आया और एक्स में आगे। तो हमने वाई वाला डिस्प्लेसमेंट देखा, यहाँ से यहाँ में कितना डिस्प्लेसमेंट है, -20 मीटर। व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इस जगह पे इसकी दो वेलोसिटी हैं, एक तो एक्स में वेलोसिटी इन एक्स कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड,
और वाई में यहाँ इसकी कोई वेलोसिटी नहीं, हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है बॉल को एकदम हॉरिजॉन्टली, यानी इस जगह पे इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, वाई में कोई वेलोसिटी नहीं दी, वो तो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी वाई की बढ़ती जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन? बच्चों माइनस जी। ग्रेविटी हमेशा किधर ऐड करता है? नीचे नीचे नीचे, और किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। सो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस जी, और हम बोल देते हैं जी की वैल्यू 10, तो हम बोल देंगे माइनस 10। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? टी निकालना है, कितने टाइम में ये होगा? तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, कौन सी? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस की जगह हमने रखा माइनस 20, यू की जगह रखा हमने 0, 28 में कोई मतलब नहीं पड़ेगा, हाफ, ए की रखा माइनस 10, और टी नहीं पता टी स्क्वेयर। तो आप देख रहे हो माइनस इधर भी है इधर भी कैंसिल, तो हमें मिलेगा 20 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर। 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 4 20, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4, तो टी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 सेकेंड्स। टी स्क्वेयर की वैल्यू 4, तो टी की वैल्यू प्लस माइनस 2 सेकेंड्स। तो आप समझ रहे हो कौन सा टाइम लेंगे हम? प्लस 2 सेकेंड्स। तो बॉल को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? 2 सेकेंड्स लगा। कितना समय लगा? 2 सेकेंड लगा। अच्छा चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फाइंड इन द सेम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बच्चों ये होती है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर किया इसको हम रेंज बोलते हैं, इस वाले केस में भी। या आपसे बोल देता फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम दी फुट ऑफ द टार व्हेन इट फॉल्स, बोलता कि बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द फुट ऑफ टार, ऐसे बोलता। ठीक। अच्छा बच्चों मतलब अब एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो एक्स में हुई है। वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन? उसको आपने आर बोला है, रेंज बोला इस डिस्प्लेसमेंट को। वॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? 5 मीटर पर सेकेंड। वॉट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? 0। भाई जो भी एक्सेलरेशन है, जो भी एक्सेलरेशन है किस डायरेक्शन में है? वाई में। कौन सी? माइनस जी। और एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। टाइम कितना लगा है बच्चों? 2 सेकेंड्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में उसने 2 डिस्टेंस कवर किए, एक तो वाई में नीचे आया और एक्स में आगे। तो जितनी देर में वो वाई में 20 मीटर नीचे आया, उतनी ही देर में एक्स में आर डिस्टेंस आगे। अप्लाई कर दो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की जगह रखा हमने आर, यू 5, टाइम 2, और ये वाला टर्म 0 क्योंकि एक्सेलरेशन 0। तो रेंज कितनी आ गई? 10 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स, 10 मीटर्स दूर गिरा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये पार्ट भी। अच्छा और क्या पूछ सकता है हमसे? और हमसे पूछ सकता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे हिट की तो इसकी वेलोसिटी क्या है? तो बच्चों देखो यहाँ पे इसकी वाई की वेलोसिटी कुछ नहीं है, यहाँ आके एक्स की वेलोसिटी अभी भी कितनी रहेगी? 5 मीटर पर सेकेंड, और वाई की भी कुछ हो जाएगी। यहाँ आके भी एक्स की कितनी रहेगी? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, पूरे रास्ते सेम, और यहाँ वाई की भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी वी वाई, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो भी होगी वहाँ से ज़्यादा होगी, निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे इस जगह पे, एक वी एक्स एक वी वाई। तो वी एक्स तो हम पहले ही निकाल सकते हैं 5, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं। वी वाई हमको निकालना पड़ेगा बच्चों। तो वाई डायरेक्शन का मोशन कंसिडर कर लो। ठीक। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? 0, शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन? माइनस जी या माइनस 10। सो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? निकालना है। टाइम कितना लगा है? 2 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ टाइम 2 सेकेंड्स। अप्लाई कर दो, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी नहीं पता, यू है हमारा 0, ए है माइनस 10, टी है 2। तो वेलोसिटी कितनी आई? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है बच्चों वो कितनी है? माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। यानी इस जगह पे एक तो 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ है और एक माइनस 20 मतलब नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है ये वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड को हिट किया, इसके पास 2 वेलोसिटी है, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो।
एक्स में कितनी है 5, तो हम लिख देंगे 5 आई कैप। वाई में कितनी है -20, तो हम लिख देंगे -20 जे कैप। ऐसे ही लिखते थे ना वेक्टर में, जो एक्स वाला है उस पर आई लगा दो, जो वाई वाला है उस पर जे लगा दो। ठीक, अब मान लो यहीं पे आपसे कहता कि हमें स्पीड भी बताओ, ठीक है, क्या बताओ, स्पीड, फाइंड द वेलोसिटी, और बोलता मान लो स्पीड भी बताओ ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। बच्चों स्पीड क्या होता है, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल दोगे तो वही स्पीड बन जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मॉड निकालने का तरीका हमने वेक्टर सीरीज में आपको सिखाया है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स वाले टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाले टर्म का स्क्वायर, और ये जो भी होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, तो ये भी हमको मिल गया। और क्या पूछ सकता है बच्चों इसमें हमसे, और क्या पूछ सकता है हमसे इसमें, ठीक है, वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है सबको हमने नोट कर लिया है। और हमसे क्या पूछ सकता है, और हमसे पूछ सकता है कि इस जगह पर ये जो बॉल गिर रही ऐसे है ना, बॉल जब आएगी तो ऐसे गिरेगी ना कुछ एंगल पे, तो हमसे पूछ सकता है ये एंगल थीटा कितना है, फाइंड एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कितना है, बॉल किसी एंगल पे आके मारेगी ना जब ऐसे गिरे किसी एंगल पे, तो हमसे पूछेगा ये एंगल थीटा कितना है। तो बच्चों ये कैसे निकालोगे, अब देखो ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ पे बना लो, ये आपका वी एक्स कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वी वाई कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। एक्चुअली इसकी वेलोसिटी ऐसे रही होगी, और उसी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में एक वाई में, और ये एंगल हमसे बोल रहा है कितना है थीटा है। तो बहुत से तरीके हैं, एक तरीका तो सिंपल, टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला देखो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये कैसे परपेंडिकुलर, इसको इधर जोड़ दो, इसी को यहाँ बना दो वी वाई को। अब देखो इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो वी वाई बाई वी एक्स, चाहो तो इस बात को याद भी रखो, जब भी टैन थीटा पूछे कहीं क्वेश्चंस में तो वी वाई बाई वी एक्स कर दो। कैसे किया समझ में आया, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कितना हो गया 20/5, तो टैन थीटा की वैल्यू आई 4। तो आप बोलोगे जो एंगल है उसका टैन थीटा 4 है, या बोल दोगे थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 4 विल बी आंसर। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो। ये बच्चों जो अगला सवाल लेंगे हम, वो भी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट लेंगे, पर इस बार हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे ले लेंगे। दिस टाइम वी विल टेक प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल, ठीक है। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, मान लो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे, विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और टार की हाइट हमें वही दे रखी है पुरानी 20 मीटर्स। और इस बार पाथ क्या होगी बच्चों, बॉल पहले थोड़ी ऊपर जाएगी फिर ग्राउंड पे आएगी नीचे, ठीक है, पैराबोलिक पाथ बनेगी, ठीक, पहले ऊपर जाएगी वहाँ पे जाके रुकेगी फिर नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक। इस बार ध्यान से देखो तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स में भी है एक वाई में भी है। इस बार वाई वाला कंपोनेंट शुरुआत में ज़ीरो नहीं है, देखो एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, एक्स में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस 30, क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 है, तो 30 × cos 30, कॉस 30 इज √3/2, सो ये कितना हो गया 15√3, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 15√3। वाई में कितनी आएगी बच्चों, 30 × sin 30, इधर कॉस आ गया इधर साइन, साइन 30 इज 1/2, तो कितनी आई 15। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज +15 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब क्वेश्चन को बिगिन करते हैं, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। तो पहला सवाल वही है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। तो बच्चों ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस एक वैल्यू नहीं आ गई है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, बाकी तो सब यार सेम है। तो अपन क्या करेंगे कि मोशन को वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं। अब तू बोलेगा वाई में क्यों देखा सर, एक्स में क्यों नहीं देखा, क्योंकि वाई का डिस्प्लेसमेंट पता था, एक्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था। अगर एक्स का पता होता तो एक्स के डायरेक्शन से चलते, वाई डायरेक्शन से स्टार्ट करें। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, 15 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया आपने। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन -20,
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में y में कितना चले 20, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में y में कितना चले 20। अब इसमें ये दिमाग मत लगाना कि बॉल पहले y में ऊपर गई फिर बॉल y में नीचे आई। ये s क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। तो ये इनिशियल पोजिशन, ये फाइनल पोजिशन। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सा है? माइनस 20। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे हुआ? y में 20 नीचे आए, x में इतना आगे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस 20। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि बीच में क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट को बीच के रास्ते से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। कमाल की है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत कमाल की, एकदम सही है ये। अगर हम यहां से यहां पूछें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो सीधा बोलो y में डिस्प्लेसमेंट माइनस 20, x में ये वो सब जो हुआ सो हुआ। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बच्चों माइनस जी, ग्रेविटी एक्ट करेगी। ग्रेविटी किधर एक्ट करती है? y डायरेक्शन में, x में तो होती नहीं है। इसकी वैल्यू 10 ले ली तो माइनस 10। अब हमसे पूछा है टाइम निकालने को, तो हम t ले लेंगे। कैसे निकलेगा बच्चों? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। s की जगह माइनस 20 रखा, u की जगह 15 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल्स टू 15 टी, यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 5 10 माइनस 5 टी स्क्वायर, 5 5 5 3 15 5 4 20, सो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 टी माइनस टी स्क्वायर। इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 3 टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 आना चाहिए फैक्टराइज करने के लिए। हाँ, फैक्टराइज हो जाएगा ना, टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो सही है, माइनस 4 टी प्लस टी, ठीक है। यहाँ से t कॉमन, t माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t प्लस 1 t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो दो सोल्यूशन बनेंगे, या तो t इज इक्वल्स टू माइनस 1 या t इज इक्वल्स टू 4। या तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस 1, या यहाँ से t इज इक्वल्स टू 4। तो आप जानते हो नेगेटिव टाइम वाला आंसर नहीं लेना, हमें t इज इक्वल्स टू सिर्फ प्लस 4 लेना है। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इसने दो तरह के डिस्टेंस कवर किए, वाई में 20 नीचे आया है और एक्स में इतना आगे आया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बना लोगे, कभी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगी भाई, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना। मैं तो आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करना है। दूसरी चीज आपसे वही पूछ सकता है इसमें कि फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को पता है 15√3, ये एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन 0, जो भी एक्सेलरेशन है वाई में ग्रेविटी वाला। टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। 4 सेकंड में इतना नीचे गिरा, इतना आगे बढ़ा और यहाँ पहुँच गया, और वो सब जो हुआ सो हुआ बीच में। अब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपने क्या बोल रखा है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना बोल देते हैं? आर। इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं आर, ठीक है। अब यहाँ से लगा दो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एस की जगह हमने रख दिया आर, यू की जगह 15√3, टी की जगह 4, और ये वाला टर्म 0 क्योंकि एक्सेलरेशन 0। तो आर इज इक्वल्स टू 60√3 मीटर। तो हमारी रेंज भी आ गई, रेंज कितनी है? 60√3 मीटर्स, ठीक है। और बच्चों क्या पूछ सकता है इस सवाल में? आएँ दाएँ बाएँ, आएँ दाएँ बाएँ, और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो वही अप्रोच लगानी है ना, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। यहाँ पे है ना, तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे इसके पास दो तरह की वेलोसिटी होगी। बंदा जा तो ऐसे रहा, घुस रहा ऐसे अंदर, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक एक्स में एक वाई में, एक एक्स में एक वाई में। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो जो शुरू में थी वही बाद में रहेगी, क्योंकि एक्स की वेलोसिटी चेंज नहीं करती, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियली थी, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। वाई की वेलोसिटी में कुछ कहानी चेंज हुई होगी, यहाँ पे वाई की वेलोसिटी कितनी है? अच्छा ये तो मैंने वाई की रख दी, एक्स की वेलोसिटी कितनी है? 15√3। हाँ, वाई की वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 15। ये क्या हुआ, ग्रेविटी वाई की वेलोसिटी को कम करते 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 यहाँ पे वाई की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इस जगह पे वेलोसिटी 0 है कि वाई वाली वेलोसिटी, सिर्फ वाई वाली, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। यहाँ पे मैं पूछूँ एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है, तुम बोलोगे वही है जो शुरू में थी 15√3। यहाँ पे एक्स की वेलोसिटी कितनी है? 15√3। एक्स की तो चेंज नहीं हो रही, वाई वाली पहले कम होगी, यहाँ बॉडी रुकेगी,
वाई डायरेक्शन में रुकेगी, एक्स में नहीं रुकेगी, और फिर नीचे आएगी। तो यहाँ वाई की वेलोसिटी निकालने का मैटर है, वी एक्स तो पता ही है, वी एक्स तो पूरे रास्ते सेम रहेगा, वी वाई निकालना पड़ेगा इस जगह पर। ये इसकी वेलोसिटी का ओरिजिनल डायरेक्शन और इसके दो कंपोनेंट। तो बच्चों वी वाई निकालने के लिए वाई डायरेक्शन का मोशन ही कंसिडर करोगे भाई, तो वाई डायरेक्शन का मोशन देख लोगे, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 15, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज -10, है ना, -g। टाइम कितना लगा है नीचे गिरने में, 4 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पूछ रहा है, अप्लाई कर दोगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू की वैल्यू 15, ए की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू 4, 15 - 40 आएगा -25 मीटर, ठीक है, -25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन फाइनली इस जगह पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी आ रही, ये -25, मतलब नीचे की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आ रही एक्स में तो वही है 15√3, और वाई में कितनी है -25 मीटर पर सेकेंड, माइनस मतलब किस तरफ, नीचे की तरफ। इसको हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्स में 15√3 आई कैप और वाई में -25 जे कैप। इसके बाद स्पीड निकालनी होगी तो मैग्नीट्यूड, ये थीटा निकालना होगा तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, ये वगैरह चीज़ें आप कर सकते हो। और बच्चों इसमें क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा, इस सवाल में यहाँ पे कब पहुंचा। तो यार यहाँ पे पहुंचने के लिए तुम क्या करो, वाई वाला मोशन कंसिडर करना, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 15, यहाँ पे वाई में वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10, वी यू ए हो गया, टी निकालना है, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। और क्या पूछ लेगा भाई, समझ में आया। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट या हो सकता हो हॉरिजॉन्टली फेंका हो या किसी एंगल पे, ठीक है। अब चलो इसी का मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ी और चेंज भी कर देता हूँ। एक तीसरा केस इसका जो बन सकता है कि बॉल को जब नीचे की तरफ फेंकें, और उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करता हूँ, आइए देखते हैं। इसी केस में एक अगला केस डिस्कस कर लेते हैं, जब बॉडी को नीचे की तरफ फेंका और क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि अब आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करें। चलिए ये वाला क्वेश्चन सब लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ये एक बॉल को मैंने इस तरफ नीचे की तरफ फेंका विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से नीचे कर दिया, कितना नीचे कर दिया, मान लो 30 डिग्री, ठीक है। इस बॉडी को मैंने यू स्पीड से फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे की तरफ करके फेंका, ठीक है। ठीक है, कहानी समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है। इसको किधर फेंक दिया, नीचे की तरफ ऐसे किचिक। अच्छा, इस बार हमसे बोला कि ये बॉल ऐसे फेंकने पे किचिकू गाड़ी डू यहाँ आके कहीं गिरी, ठीक है। जहाँ गिरी बोला वो डिस्टेंस यहाँ से 25.9 मीटर्स दूर है। दिस पॉइंट जहाँ पे आके ये बॉल गिरी वो डिस्टेंस कितना दूर है, 25.9 मीटर्स दूर है, ठीक है। हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ टार, फाइंड द हाइट ऑफ टार, टार की हाइट निकालनी है। भाई साहब कैसे करें कैसे करें कैसे करें, पहले तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट देखते हैं। एक वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स में आएगा, एक वाई में, वाई वाला नीचे आएगा, एक्स वाला इधर आएगा, ये तो क्लियर हो रहा होगा। 30 है तो इधर कितना आएगा, एक्स में कितना आएगा, 30 cos 30, cos 30 हो जाएगा √3/2, तो 30 × √3/2 यानी कितना आएगा, 15√3। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई 15√3। वाई में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर कॉस गया तो इधर साइन आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 30 का इधर का कंपोनेंट 30 sin 30, जो कि होगा 1/2, तो ये हो जाएगा 15। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 15, इन एक्स डायरेक्शन इज 15√3। अब पूछ क्या रहा है भाई आपसे, हाइट पूछ रहा है यार, यानी वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है भाई, है ना, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 15 है नीचे की तरफ, तो -15 लूँ, 15 है किधर, नीचे की तरफ है, तो क्या लूँगा, -15। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वही अपना -g - 10, एक्सेलरेशन किस में है, वाई में है, -g नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई डायरेक्शन में, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यही तो पता लगाना है भाई कि वाई में कितना नीचे आया, जब यहाँ से बॉल आकर यहाँ पे गिरेगी तो वाई में कितना नीचे आया, यही तो पता लगाना है, तो यही तो अननोन है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई यही तो पता लगाना है। टाइम कितना लगा बच्चों, ओए होए टाइम भी नहीं पता इस बार, टाइम कहाँ पता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर टाइम मिल जाए तो काम बन सकता है ना। अच्छा आओ एक्स डायरेक्शन का मोशन देखें, एक्स डायरेक्शन में देखो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, 15√3, किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, 0।
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, फाइनली एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ, 25.9 मीटर। ओके व्हाट इज द टाइम टेकन, निकाल लो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इससे आपको वो टाइम मिलेगा जिसमें बॉडी ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, और जिस टाइम में बॉडी ने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसी टाइम में बॉडी ने ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये टी और ये टी सेम है। तो यहाँ से टी निकाल के यहाँ पुट कर देना है, इसकी वैल्यू रख दो 25.9 इज इक्वल्स टू यू, अरे यार खुद से करो ठीक है, ये वाले का आंसर आप खुद से बताना ठीक है। तो टाइम इसमें शायद 1 सेकेंड आएगा और हाइट शायद 1 आ जाएगा, तो हाइट शायद 20 मीटर्स हाइट आनी चाहिए, चेक करके बताना कॉमेंट में ठीक है। तो ये तीसरे तरह का क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने चेंज किया, तो बस यही है। एक्स वाई में इसको डिवाइड करो प्रोजेक्टाइल को, और ब्रेक करो इजी इजी कंसेप्ट में, और इसको सॉल्व करो। अभी इसके एडवांस लेवल के वीडियोस भी बचे हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल हो, दो अलग अलग टावर से प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, कहाँ पे मिलेगी। तो यार क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। ऑल द वेरी बेस्ट।